वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आइए आइए तुलसी जी। देखिए, ये इंदौर के संस्कार हैं, ये इंदौर के संस्कार हैं। ये दोनों हम चाहेंगे आप जरा आएं, एक कांग्रेस के विधायक, एक बीजेपी के विधायक, एक मध्य प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, और आकाश जी बीजेपी के हैं। जब लेकिन तुलसी सिलावट जी, जो कि तुलसी भैया के नाम से हम मशहूर हैं, जब वो आए तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। ये राजनीति में बेटा है मेरा, ये बेटे हैं, पोर्टिक समान है, मेरे बेटे समान हैं, इसलिए यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में संस्कृति, संस्कार, आस्था और विश्वास, समन्वय, सामंजस्य, ये देखने को मिला। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ऐसे तुलसी जी, ऐसे आज के माहौल में जब हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि नेता अपनी मर्यादा भूल गए हैं, नेता लोग जो हैं वो सम्मान करना भूल गए हैं, और एक आदर्शवादी राजनीति या एक ऐसी राजनीति जिसका उदाहरण हम दे सकें वो देखने को नहीं मिलती, आज ये दृश्य देखकर वाकई अच्छा लगा। तो फिर ऐसा क्यों, देश भर में ऐसा क्यों? ये धीरे धीरे हमारे सोच में जो परिवर्तन आया है, एक विचारधारा में जो बदलाव आया है, ये वाकई में देश के लिए हानिकारक है। कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, पर हमारे हिंदुस्तान के, भारत की संस्कृति एक धार्मिक संस्कृति है, धर्म की नगरी है, आस्था विश्वास में विश्वास करती है, और अभी मध्य प्रदेश का सबसे बड़े नगर इंदौर में इस संस्कृति का प्रतीक मेरे बेटे ने, आकाश जी ने, विधायक जी ने आपको दिया। आकाश जी, ये बहुत बड़ी बात है। आप तुलसी जी बार बार आपको बेटा कह रहे हैं, आपने उनके चरण स्पर्श किए, तो फिर ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये क्या ऐसा ही होता है कि आप दोनों ने बड़ा दिल दिखाते हुए, आपने बड़ा मन दिखाते हुए सार्वजनिक तौर पर चरण स्पर्श किए, या हर नेताओं में ऐसा होता है? तो फिर हम ऐसा क्यों देखते और सुनते हैं कि नेता जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारी मान मर्यादा को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो ये हमारे इंदौर के संस्कार हैं, हमारे परिवार के संस्कार हैं। हमारी दादी जी, माता पिता ने हमें ये सिखाया है कि जब भी अपने से बड़ों से मिलें, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, और राजनीति में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम जब भी बड़ों से मिलते हैं आशीर्वाद लेते हैं। और तुलसी सिलावट जी भी सकारात्मक सोच रखने वाले नेता हैं, तो मैं और हम, मेरा बड़ा सहयोग भी करते हैं, कुछ भी काम मैं राजनीति में करता हूं, तो विशेष कृपा है इनकी, तो इनका आशीर्वाद, मेरे पिताजी के मित्र हैं तो इनका आशीर्वाद लेना। मगर हाँ, जो आपने कहा कि पूरे देश में जो ये चल रहा है, तो मुझे लगता है सभी को मनभेद नहीं रखना चाहिए, मतभेद तक ठीक है, मनभेद नहीं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने मनभेद और मतभेद की बात कही। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।